आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। सो so, इस क्वेश्चन में पूछा है कि thin converging lenses are placed on a common axis so that the center of one of them coincides with the focus of the other the object is placed at a distance of टाइस देंस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड वेयर विल द इमेज बी तो हमें इमेज का पोजिशन चाहिए दोनों लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वॉट इज दैटल मैग्निफिकेशन द फोकस ऑफ ईच लेंसेज एफ सो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दो कन्वर्जिंग लेंसेज है पहले हम बना लेते हैं इसका रेडाइग्राम बनाते हैं पहले या हम मान लेते हैं कि ये दो लेंसेज हैं, एक ये है। इसको लेंस वन मान लेते हैं। और इसको हम लेंस टू मान लेते हैं सो so, अब हमें निकालना है कि जो हमारा इमेज है वो कहाँ फॉर्म होगा सो so क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस डिस्टेंस ऑफ दी फोकल लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड लेंस ट्वेंस दी फोकल लेंस हम मान लेते हैं कि इधर कहीं होगा तो पहले हम इसको पूरा एक्सटेंड कर देते हैं सो so हम इसमें मार्क करते हैं टू एफ को ये हम एफ मान लेते हैं ये हो जाएगा टू एफ ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट को ओ नहीं लेंगे क्योंकि इसको भी हम ज्यादातर ओ ही लेते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम मान लेते हैं बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एक और क्वेश्चन में ये दिया है कि सेंटर ऑफ वन ऑफ देम फोकस ऑफ़ द अदर किसी एक का जो सेंटर है वो कोइंसाइड कर रहा है दूसरे के फोकस से तो हम मान लेते हैं जो इसका जो सेंटर है इस लेंस का सेकेंड वाले लेंस टू का ये लेंस वन है लेंस टू का जो सेंटर है वो इसके फोकस से कॉन्सर्ट कर रहा है तो ये जो है ये भी एफ डिस्टेंस होगा इससे। अब हम पहले से सॉल्व करते हैं लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं सो so, जो इमेज फॉर्म होगा पहले लेंस से उसको हम निकालते हैं वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ ये लेंस फॉर्मूला है इसको हम लेंस वन के लिए यूज करेंगे तो वन बाई वी माइनस वन बाई माइनस टू एफ क्योंकि नेगेटिव साइन में सो दिस इज इक्वल टू वन बाई एफ और इससे हमारा वन बाई वी आ जाएगा वन बाई एफ माइनस वन बाई टू एफ और इससे हमारा वी जो आ जाएगा वो हो जाएगा टू एफ मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू वी बाई यू दैट इज इक्वल टू टू एफ बाई यू दैट इज माइनस टू एफ ये हो जाएगा हमारा माइनस वन तो जो मैग्नीफिकेशन है पहले लेंस की वजह से वो हो गया माइनस वन इसको हम एम वन मान लेते हैं और जो मैग्नीफिकेशन हम निकालते हैं सेकेंड लेंस की वजह से तो ये जो वी है ये टू एफ हो गया सो टू एफ हम मार्क करते हैं इसको यहाँ पे टू एफ इधर कहीं आएगा टू एफ सो सेकेंड लेंस जो है उसके लिए जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा एफ अब हम सॉल्व करते हैं लेंस फार्मूला फिर से यूज करते हैं अब लेंस टू के लिए यूजिंग लेंस फॉर्मूला For second, सेकेंड by v minus माइनस by u is equal to वन by f. और इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो 1 by v minus वन by u जो हो जाएगा ये हो जाएगा इसमें f के बराबर क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये ये f है और पॉजिटिव में होगा क्योंकि ये राइट हैंड साइड में जा रहा है तो इस, इसका जो पहले लेंस की वैसे जो इमेज बन रहा है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा सेकेंड लेंस के लिए सो so, इसका जो डिस्टेंस है वो एफ है और वो हम पॉजिटिव मिलेंगे माइनस वन बाई एफ डेट इज इक्वल टू वन बाई एफ इससे जो हमारा वी आ जाएगा वी दैट इज इक्वल टू एफ बाई v हमारा हो गया f बाई टू सो हम m2 निकाल लेंगे दैट इज मैग्निफिकेशन ड्यू टू सेकेंड लेंस दैट इज इक्वल टू v बाई यू दैट इज इक्वल टू f बाई टू डिड बाई एफ एंड दैट इज इक्वल टू वन बाई टू सो जो फाइनल इमेज फॉर्म होगा वो होगा एट ए डिस्टेंस f बाई टू फ्रॉम द सेकेंड लेंस सो फाइनल इमेज is formed at a distance f by 2 from second lens matlab idhar kahin form over f by 2 अब हम निकालेंगे क्वेश्चन ने पूछा है कि लैटरल मैग्निफिकेशन लैटरल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा M इज इक्वल टू एम वन इन एम टू मतलब लैटरल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन टू द फर्स्ट लेंस मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन ड्यू टू द सेकंड लेंस दैट इज इक्वल टू

सोल्यूशन तो इस क्वेश्चन के लिए मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर